सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अगर आप गाइज नोटिस कर रहे होंगे, मैंने बहुत दिन से अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं इसका वेट कर रहा था। और ये एक नए टाइप का मेंटस है, मुझे लगा हर एक क्रीचर का यही एक टाइप का ही होगा। नहीं, दे एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस। और ये ईस्टर एग्स का नया सिस्टम है। नहीं, इधर नहीं शो होता, इधर 1 out of 10। मैंने पहली बार देखा, बहुत अच्छा है। और गाइस, मैं स्किन खरीदने वाला हूँ। क्या मैं माइनक्राफ्ट की तरह ये भी लैग होती है? माइनक्राफ्ट की वीडियोज में भी लैग होता है ऐसे? वाह। सो गाइस, मैं जेम्स बहुत गरीब की तरह सेव करे जा रहा हूँ इसके लिए, पर समझ नहीं आ रहा कौन सा खरीदूँ। ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। ये मतलब अच्छा है दिखने में, इनमें से तो सबसे अच्छा ये लग रहा है, ये खरीदना। यस, कंफर्म। क्यों नहीं खरीदूंगा? उत्तर ये क्या है? मैं तो डर गया। सो गाइस, अब हम नया इवेंट क्रीचर कैप्चर करेंगे। और मैंने ऑफ रिकॉर्डिंग एक क्रैब भी कैप्चर किया। और गाइस, मैं बहुत मतलब मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी गोल्ड क्रैब के वीडियोस, और उन पे व्यूज़ नहीं मिल रहे, पता नहीं क्यों। भाई थोड़ा जल्दी करो। टाइमर स्टार्ट हो गया। नो, आई गेस गाइस, जब तक ये होता रहता है। और रुक जाओ, मुझे इससे भी तो मारना पड़ेगा। वरना वो आएंगे कैसे? पिंक आर्मी। समझा ही नहीं दे रहा, एंट मर गया ऐसा लग रहा है, ये इधर पड़ा हुआ है। स्किन तो अच्छी है, यूज मतलब मुझे इससे यूज टू होने में टाइम लगेगा। और ये स्किन लिमिटेड है, इस सीज़न के बाद ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। और ये क्या है? केक। केक या अंडे का अंदर? छोड़ो, मेरा क्या जाता है, मुझे तो क्रीचर चाहिए। और गाइस, ये सेम मैं कल भी यूज़ करूँगा, पर मैं ये थोड़ा जल्दी कर लूँगा, तो जब मैं फ्यूज़ करूँगा तो तब तक मुझे मिल गए होंगे, तो मैं वो रिकॉर्डिंग बाकी सब करूँगा। ये मुझे तो रेजिन में अभी एक ही अपग्रेड चाहिए, ये, और फिर मैं क्यूसी करना शुरू कर दूँगा। ये इसका नाम मैंने डिस्कॉर्ड पे देखा था, ऑर्किड मैंटिस। और इन्होंने कलेक्शन स्पेशल फीचर्स एक्सपेंड कर दिया। ये क्रिसमस स्पाइडर के बाद होना चाहिए था गोस्ट मैंटिस, जो मैं नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। हम लोग चलो देखते हैं, मुझे लगता है मिलीपीड के नीचे ही आएगा ये, क्योंकि मुझे लगता है ये डिट्टो होगा। अगले साल का भी कॉन्टेंट मिल गया, इसमें ही ठूसते जाओ भाई। रियल कैसे कर लेते हैं? मुझे लगता है मुझे पहले कर लेना चाहिए था।
गाइस मैं हैकिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे पहले ही मिल गया था। 35 मुझे बस ये पॉइंट्स चाहिए इसमें। आई गेस मुझे टाइम लगेगा। भैया जितना स्लो जा रहा है ये मुझे बहुत स्लो लग रहा है। चलो रेजिन, मैंने सुना है इसमें जेम्स भी मिलते हैं बहुत बहुत रेयरली। आई गेस जेम्स, मैं 2 से ज़्यादा का आर्मी में फिट नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ डिस्कार्ड करना होगा। मैं अभी डिस्कार्ड नहीं करना चाहती, अब करना पड़ेगा। और ये जो ऑर्किड मैंटिस है ये घोस्ट मैंटिस से ज़्यादा अच्छा है मैंने देखा तो। और ये ऑर्किड मैंटिस की स्किन लग रही है, पहले देख लेते हैं असली में क्रीचर देखने में कैसा है। एक और 700 हो गए और 2 बार इनको आना जाना पड़ेगा। हाँ बोरिंग, ये हमेशा इधर ही आता है ऑन द टॉप ऑफ द मैप। बोरिंग एक आ जाना, मैं बोर हो गया ये करते करते, ये गेम हो गया बोरिंग। चलो गाइस देखते हैं, 5 out of 15 अभी, मतलब आज 6 out of 15 हो जाएगा कोऑप करने के बाद पब्लिक, फिर 6 के बाद 9। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है, मुझे कुछ दिन में मिल जाएगा, मतलब समझ लो 5 दिन में मेरे पास एक और। सीम्स फेयर, ये सोल्जर नेक्स्ट, मुझे वर्कर स्पीड करना ही होगा, वर्कर स्पीड नीडेड। और ये जो ये अभी है ना, ये ओरिजिनल मैप, इधर किल करना इजी होते हैं, मतलब ये जो नॉर्मल होते हैं ना नॉर्मल क्रीचर्स, गोल्ड क्रीचर्स और इवेंट क्रीचर्स, उनके जैसे इजी होते हैं, पर जब ये बैटल में आते तब इनके स्टैट्स शो होते हैं असली वाले। और गाइस ये भी अपग्रेड करना होगा, पता नहीं क्यों पर करना होगा। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, पहले QC करूँ या फिर ये, मुझे तो ऑब्वियसली थोड़ा नाइस वाले को बचा लूँ। हाँ चलो बचा लेते हैं। तो गाइस हमारा आ गया ऑर्किड मैंटिस उत्तरी मुंह के सामने। ओए 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 ओए, ये दिखने में बहुत सुंदर है ना भैया, इतना बड़ा क्यों है साइज में?
मुझे आंसर चाहिए, ये साइज में इतना बड़ा क्यों है मोटे राम? अगर क्रैप फ्यूज हो गया तो मेरी एक जगह खुल जाएगी, पर अगर अभी मुझे 3 स्टार बनाना है तो मुझे एक जगह खाली करनी पड़ेगी। मैं अभी सोच रहा हूँ, अभी के लिए ये कर देता हूँ क्योंकि टाइगर बीटल मिलना आसान है। मैं एक दिन में 3 स्टार कर लूँगा फिर से, उतना हार्ड नहीं है। चलो दूसरे वाले के लिए भी ग्राइंड। और गाइस मैं सेम जो फूड सोर्स होता है ना, ये मैंने खुद इन्वेंट किया। मैं एक फूड सोर्स को 2 दिन चलाता हूँ। मतलब समझ लो अगर मैंने अभी किया तो ये जो 24 आवर टाइमर है उससे पहले तो ये जाने नहीं वाला है। तो अगर मैं समझ लो अभी मैं सुबह मतलब शाम के 5 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर मैं सुबह के 10 बजे कर लूँ तो अंडा तो उधर ही रहा। ये मैंने बहुत बार यूज़ किया। तो गाइस कहाँ गए? ओ मैंने उड़ाया था ना भाई, ये तो अच्छे से आ गया। देखा देखा, मैंने बोला था क्रिसमस के साइड में गोश्त होता है, तो एग्जैक्टली गोश्त के नीचे होगा ये। इज अ मैंटिस फ्रॉम द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। दिस स्पीशीज मिमिक द पार्ट ऑफ द ऑर्किड फ्लावर। दे आर नोन टू ग्रैब देयर प्रे विथ ब्लाइंडिंग स्पीड। मतलब स्पीड देखो इतना अंधे हो जाओगे, क्या बात है। मुझे तो बस अभी वेट है कि मैं मोनार्क कब कैप्चर करूँगा, मोनार्क बीटल मतलब मोनार्क बटरफ्लाई। उसका मिनी इवेंट भी जल्दी आ जाएगा। मुझे मेरे एंट्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। ओ सब आ रही है। ईस्टर एवेंट स्टार्ट। कितनी टाइम हो गई रिकॉर्डिंग में? अभी भी बहुत टाइम है, इससे पहले स्टोरेज मर जाए। गाइस मैंने सबका 10% कर लिया था ऑफ कैमरा। ये क्रैब एक नया आया होगा ना। गाइज आई एम वेरी सैड अबाउट घोस्ट मेंटिस, बट आई होप कि वो आ जाए। मैं बस इसी वेट में हूँ जिस दिन घोस्ट मेंटिस आ जाएगा। हाँ मेरी पूरी कलेक्शन होगी ना, तो क्योंकि अगर मेरे पास अभी इतने सारे हैं तो मेरी तो पूरी कलेक्शन हो जाएगी। 10 जेम्स देखो, मुझे 10 जेम्स मिले। जेम्स ये ईस्टर एग वाला फंडा तो अच्छा भाई, रेजन का भी अच्छा सोर्स है। हाँ आज के मैं डेली मिशंस कंप्लीट कर लूँगा। गाइस वी आर हाफ वे देयर। ओह 10 out of 10 ईस्टर एग्स। बस एक ही काम कर सकता हूँ हेल्प करने के लिए। फायर एंड फायर एंड्स भाई, मैं बस एक ऑर्किड मैंटिस का स्किन वाला एंट हूँ।
प्लीज़ डोंट माइंड, मेरे सोल्जर्स 10% फास्ट एक्चुअल में लग रहे हैं क्या उस अपग्रेड के बाद? मुझे तो लगा, या फिर प्लसीबो इफेक्ट। हाँ पर 10% फास्ट ये हुए हैं इतना मुझे पता है, क्योंकि गेम ने मुझे बोला। भाई स्किन के एक्स्ट्रा पिक्सल्स लैग करवा रहे हैं पुराना घटिया फ़ोन। आई होप मैंने एनफ हेल्प किया कि ये थोड़ा जल्दी हो जाए। मतलब ये जब अंडा चला जाएगा तब मुझे कोई चिंता नहीं है, अभी मैं रिकॉर्डिंग करना कर रहा हूँ तो जल्दी करूँगा तो आसानी होगी। ओह मिशन भी हो गया आई गेस, जब तक ये हो रहा है मैं टर्माइट वाला काम करके आता हूँ। मतलब एक अभी कुछ मेरे पास करने को है ही नहीं, ये मुझे बहुत स्लो है। जल्दी आ जा भाई, अब सोल्जर और प्लेयर समझना मुश्किल है, सबका वही हो रहा है, स्किन वैसी लग गई ऑलमोस्ट। वही स्किन ने क्या मेरे सोल्जर्स को मोर एफिशिएंट बना दिया? सस्पिशियस गाइस, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स द 3-स्टार क्रैब। ओह होने वाला है, इसको ऑफलाइन गैदरिंग में इधर ही रख दूंगा, इसका फायदा उठाना चाहिए ना। भाई अलग से अकाउंट्स है भी क्या? इंस्ट्रूमेंट का एक ही फायदा नहीं है, विदाउट अकाउंट्स में रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा डोनेट करने के लिए। भाई सोल्जर नीचे आ रहा है हमारी धुलाई करने, दो आ रहे हैं, उल्टा उनकी धुलाई हो गई। चलो चलो चलो, नाइस। चलो गाइस ऑलमोस्ट हो ही गए, इतना बड़ा लगता क्यों है? ये मुझे बहुत अनॉय कर रहा है, ये इतना बड़ा क्यों है? मैप साइज में तो भाई मैंटिस पे ये लोग वो साइड मतलब एक्स्ट्रा स्किन डालते हैं, क्रिसमस स्पाइडर में थोड़ी सी बस, और किसी इवेंट फीचर में मैंने उतना कुछ नहीं देखा। भाई फ्यूजन बूस्ट है ना, अभी 2 दिन तक। गाइस अगर कभी 3-स्टार मिल गया तो मैं एक और 3-स्टार मैंटिस बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे ये क्रिएचर बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो शॉकिंग पिंक ड्रैगन मिलीपीड है ना, वैसा ही है स्टैट्स में, अटैक रेट, हेल्थ। गाइस ये तो मिलीपीड से बेटर है, देखो इसके अटैक रेट फुल नहीं है
इसका है, इसकी हेल्थ देखो और इसकी देखो, इसका ज़्यादा है, इसकी स्पीड देखो और इसकी देखो, ऑर्किड मेंटस का ज़्यादा ही है हर में। साढ़े दो मिनट ऐसे बीत भी गए, मैं कमाल करता हूँ। गाइस इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, वॉल्यूम थैंक्स, फ्यूज प्लीज, फिल होने का कोई चांस ही नहीं है। कौन सा? तो रुक जाओ, मुझे एक टेस्ट करना है। क्रैब या स्कॉर्पियन? अभी के लिए स्कॉर्पियन नहीं जीतेगा, थ्री स्टार क्रैब से नहीं जीत सकता था। क्रैब इज ओपी। गाइस लेट्स टेस्ट आउट द ऑर्किड मेंटस। मुझे नहीं लग रहा है क्रैब को डिफीट कर पाएगा। क्रैब इज ओपी, नो वन कैन डिफीट द क्रैब। क्या भाई क्या बेकार है तू, तू उधर वर्कर्स अटैक कर रहा है सस्ते की तरह, और उधर क्रैब अटैक कर रहा है तुझे। भाई क्या मेरी स्किन कहाँ गई? अटैक करते वक्त स्किन नहीं दिखती। आई गेस इट इज फेयर बट स्टिल। रुक जा, अगर मेरे ऑर्किड मैंटिस को वो पहला हिट नहीं लगता, आई एम श्योर वो जीत जाता शायद से। देख के तो वही लग रहा है। दिस न्यू क्रीचर इज ओपी, ओपियर देन घोस्ट मैंटिस। मिलीपीड से तो ओपी है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं मिलीपीड को रिमूव करके वो डाल सकता हूँ ऑर्किड मैंटिस पर। नहीं, आई होप इस साल घोस्ट मैंटिस का कोई तो इवेंट हो। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।